प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग की। यह बैठक जम्मू कश्मीर में ड्रोन अटैक के बाद बुलाई गई। इस मीटिंग में गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा एनएसए अजीत डोवाल भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक बैठक में नई ड्रोन पॉलिसी बनाने पर चर्चा हुई। इसके अलावा रक्षा सेक्टर में भविष्य की चुनौतियों पर बातचीत हुई। रक्षा बलों को आधुनिक हथियारों से लैस करने पर भी चर्चा हुई। घाटी में ड्रोन हमले के बाद सेना पूरी तरह से सतर्क हो गई। जानकारी के मुताबिक एंटी ड्रोन के साथ घाटी में सेना पूरी तरह से मुस्तैद है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने भी कहा है कि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी लाने के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास अभी भी कई तरह की टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए ड्रोन को हम ब्लास्ट कर सकते हैं और उसको मार गिरा सकते हैं। इसके अलावा जम्मू में ड्रोन हमले की गूंज संयुक्त राष्ट्र संघ में भी गूंजी है। यहाँ भारत ने दुनिया को आतंकवादी वारदात में हथियारबंद ड्रोन के इस्तेमाल पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत बताई। जितने भी ड्रोन्स आया, बहुत जगह जगह समय पर हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डर्स पे उस ड्रोन्स को फेस किया है, ड्रोन्स को ब्लास्ट किया है, डिस्ट्रॉय भी किया है। इसलिए हमारा पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी शुरू है, ऑलरेडी काम कर रहे हैं। आने वाले दिन में और हमारा टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेंगे और प्रॉपर टेक्नोलॉजी लाएंगे। हमारा भारत में भी ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ट्विटर अकाउंट कुछ समय के लिए बंद किए जाने पर संसदीय समिति ने ट्विटर से जवाब मांगा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने सचिवालय से कहा है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को इस मामले पर लेटर भेजकर 2 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। आपको बता दें कि ट्विटर ने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का अकाउंट कुछ समय के लिए बंद कर दिया था। धर्मांतरण को लेकर गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन आग बबूला हो गए। रवि किशन ने कहा कि विदेशी ताकतों के जरिए धर्मांतरण कराया जा रहा है ताकि हिंदुओं का समूल नाश किया जा सके। रवि किशन ने कहा कि हिंदुओं की जड़ों को खत्म करने के लिए धर्मांतरण का आतंकवाद फैलाया जा रहा है। रवि किशन ने कहा कि ये पूरे देश में हो रहा है, इसलिए सदन में वो इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं रवि किशन के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं बीजेपी ऐसे ही हिंदू मुसलमान शुरू कर देती है। वहीं कश्मीर में धर्मांतरण के मुद्दे पर सिख समुदाय ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात की। आ रही कि पूरे देश के हर राज्य में यह सिंडिकेट काम कर रहा है। यह अभी अंदरूनी खबर मैं आपको बता रहा हूं और यह लाखों की तादाद में और करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड इनको विदेशों से आया हुआ। इनका काम है कि हिंदुओं का नाश करो, इनका काम है यह सिंडिकेट का हिंदुओं को जड़ से खत्म करो, क्योंकि एकमात्र देश है पूरे वर्ल्ड में जहां हिंदू ज्यादा बसते हैं और यह बहुत बड़ी इसमें विदेशी ताकतें ज्यादा लगी और विदेशों का पैसा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। बैठक के दौरान जेपी नड्डा ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद संगठित हिंसा देखी गई, जबकि वहां एक महिला मुख्यमंत्री है, ये शर्मनाक है। जेपी नड्डा ने कहा कि जहां टीएमसी थी वहां चुनाव में हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक अत्याचार महिलाओं पर हुआ है। बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की खराब मानसिकता को लोकतांत्रिक तरीके से हराएगी। पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हुई हिंसा को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि बंगाल में सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया था। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा के दौरान एक दल विशेष के समर्थकों को निशाना बनाया गया था। इस हिंसा में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ गुंडे और माफिया भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनके साथ मारपीट की गई और एक दल विशेष को वोट नहीं देने को कहा गया था। अंबेडकर पार्क के शिलान्यास के साथ ही यूपी में विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा है कि दलितों के साथ अन्याय करने वाली बीजेपी अंबेडकर के नाम पर नाटकबाजी कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी हमेशा समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा भ्रम पैदा करती है। वहीं मायावती के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये बाबा साहब को बीजेपी की श्रद्धांजलि है, मायावती को खुश होना चाहिए। आज लखनऊ की राजधानी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रयास से डॉक्टर आम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र व स्मारक का उद्घाटन किया गया है, तो उन्हें तो खुशी व्यक्त करनी चाहिए।
दिल्ली की तर्ज पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में फ्री बिजली वाला दांव चला है। अरविंद केजरीवाल ने 3 ऐलान किए हैं। इसमें पहला ऐलान ये था कि पंजाब के हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली फ्री में मिलेगी। केजरीवाल ने दूसरा वादा किया कि डोमेस्टिक पुराने बिजली बिल माफ किए जाएंगे और तीसरा वादा किया कि उनकी सरकार अगर सत्ता में आई तो पंजाब में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के वादे को शिरोमणि अकाली दल ने फरेब बताया है। तीन बड़े बड़े ऐलान हैं। एक, हर घर को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। दो, पुराने सारे बिजली के बिल माफ, कनेक्शन बहाल, और उनका कनेक्शन बहाल होगा। जितने पुराने लोग जितने कट गए सबका कनेक्शन बहाल होगा। सबको सम्मान की जिंदगी दी जाएगी। और तीसरी चीज, 24 घंटे बिजली दी जाएगी। संसद का मॉनसून सत्र इस साल अपने सामान्य समय पर शुरू होने की संभावना है। सरकार की ओर से जुलाई के तीसरे सप्ताह में मॉनसून सत्र आयोजित करने के संकेत मिल रहे हैं। संभावना है कि संसद का मॉनसून सत्र सभी कोविड संबंधी प्रोटोकॉल के साथ 19 जुलाई से 13 अगस्त तक आयोजित किया जा सकता है। करीब एक महीने तक चलने वाले इस सत्र में करीब 20 बैठकें होने की संभावना है। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर के तौर पर आज से बालाजी श्रीवास्तव बतौर कमिश्नर पदभार संभालेंगे। 1988 के आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव को मंगलवार को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। वो फिलहाल दिल्ली पुलिस में स्पेशल सीपी विजिलेंस के रूप में कार्यरत हैं और पहले उन्हें मिजोरम के डीजी के रूप में नियुक्त किया गया था। बालाजी पुडुचेरी के डीजीपी भी रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक महिला की पिटाई का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि एक महिला के हाथ में लोहे की मोटी चेन बंधी है और ये शख्स इसे पीट रहा है। महिला बचने का जतन करती है, ये शख्स इसे जमीन पर पटक देता है। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो में महिला को पीटने वाला शख्स इसका ससुर है और महिला के पति का निधन हो चुका है। वायरल वीडियो की सच्चाई और मामले की तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश ढाकड़ के रिश्तेदारों पर एक आदिवासी महिला और उसके रिश्तेदारों को पीटने का आरोप लगा है। मामला पोहरी थाना क्षेत्र के सोनपुरा का है। आरोप के मुताबिक यहां एक आदिवासी परिवार ने सरकारी नल से पानी भरने गया था, मगर मंत्री के रिश्तेदारों ने उसे पानी भरने के एवज में जमकर पीटा। मंत्री के रिश्तेदारों ने आदिवासी महिला को भी पीटा और धमकी दी कि दोबारा पानी न भरने आए। शिकायत के बाद पुलिस ने 8 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। असम के चिरांग में पुलिस ने बाइक चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बाइक चुराने वाले 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की 36 बाइक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने ये बाइक पिछले 10 दिनों में चुराई है। पुलिस अब जांच में जुट गई है कि बाइक चोर गिरोह के तार और कहां कहां तक फैले हैं और अब तक इन लोगों ने कहां कितनी चोरियां की। गाजियाबाद के लोनी इलाके में कपड़ा व्यापारी और उसके परिवार के 4 लोगों के कत्ल का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक कपड़ा व्यापारी के सगे भतीजे ने ही अपने ताऊ ताई और उनके दोनों बेटों की गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने हत्या से कुछ दिन पहले YouTube पर पिस्टल पर लाइसेंसर कैसे लगाए ये वीडियो सर्च किया था, जिससे आशंका है कि आरोपी पहले से ही हत्या की प्लानिंग कर रहा था। उन्नाव में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक अंतर्राज्यीय वांछित आरोपी और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सदर कोतवाली के दोस्ती नगर का है। सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, मगर आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने वांछित आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पर महाराष्ट्र और गुजरात में भी कई मामले दर्ज हैं। इनकी एक लूट करने वाला बड़ा गिरोह है। इसके द्वारा जनपद में और जो निकटवर्ती जनपद है उनमें कई लूट की घटना इनके द्वारा की गई है, जिसमें बिहार, बीगापुर, बारासगवर इन थानों में बाइक लूट की घटनाएं की गई है। मोरावा थाने में भी इनके द्वारा लूट की घटना किए गए। ये लोग मुख्य रूप से सराफा व्यवसायियों को टारगेट करते हैं। जो निकटवर्ती गुडम्बा थाना है, जनपद के निकटवर्ती जनपदों में गुडम्बा थाने में भी इनके द्वारा एक ज्वेलर के साथ लूट की घटना की गई है। और इसके अलावा बिजनौर, सरोजनी नगर, यहाँ पे भी एक सराफा को इनके द्वारा गोली मारी गई है, जो अभी भी उपचाररत है। इजरायली विदेश मंत्री द्विपक्षीय मुलाकात के लिए पहुंचे यूएई। इजरायली विदेश मंत्री यायर लापिड और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद के बीच ईरान के मुद्दे पर हो सकती है बातचीत।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल दोनों देशों के बीच 72 साल की दुश्मनी खत्म कर रिश्तों को बहाल करने में की थी मध्यस्थता। G20 देशों के विदेश मंत्री पहुंचे इटली के दक्षिणी शहर मटेरा। चीन, रूस और ब्राजील के विदेश मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। व्यापार, ऊर्जा समेत कोरोना के मुद्दे पर भी हो सकती है बातचीत। इससे पहले इटली के शहर बारी में इन नेताओं के विरोध में हुआ था प्रदर्शन। साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को हुई 15 महीनों की जेल। भ्रष्टाचार के मामले में कोर्ट में हाजिर नहीं होने के चलते मिली सजा। 2009 से 2018 के बीच राष्ट्रपति रहने के दौरान जुमा पर लगाए गए थे भ्रष्टाचार के आरोप। बढ़ते कोरोना मामलों के चलते ऑस्ट्रेलिया के दो और शहरों में लगा लॉकडाउन। इससे पहले सिडनी में लगा था 2 हफ्तों का लॉकडाउन, अब पर्थ, सिडनी और डार्विन में लागू हो गया है लॉकडाउन। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकले लोग। हाल ही में यहाँ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के लेने पर हटाई गई उम्र की सीमा। ब्लड क्लॉट के मामले सामने आने के बाद यहाँ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही लगाई जा रही थी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। ब्रिटेन में बेकाबू कोरोना की रफ्तार से हरकत में आई हांगकांग की सरकार। ब्रिटेन जाने वाली सभी फ्लाइटें हुई रद्द। ब्रिटेन में कोरोना डेल्टा वेरिएंट से जुड़े मामले आने के बाद लिया गया फैसला। इसी हफ्ते के गुरुवार से होंगी सारी उड़ानें रद्द। फ्रांस में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने बढ़ाई सरकार की चिंता। हाल के दिनों में मिले मामलों में 20% तक मामले डेल्टा वेरिएंट से जुड़े, फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। दुनिया में कोरोना के मामले हुए 18 करोड़ 22 लाख के पार। अब तक 39,47,000 से ज्यादा लोगों की महामारी से गई जान। 16 करोड़ 68 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर हुए ठीक। पाकिस्तान के लाहौर में सिलेंडर ब्लास्ट की गूंज, 3 लोग बुरी तरह घायल, 18 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। आग बुझाने में जुटी दमकल की गाड़ियां। लाहौर के बरकत बाजार में फटे थे 10 सिलेंडर। कनाडा से लेकर अमेरिका तक बदला मौसम का मिजाज। पश्चिमी कनाडा के साथ साथ उत्तर पश्चिम अमेरिका में चल रही गर्म हवाएं। कनाडा के गांव लिटन में पारा पहुंचा 46.6 डिग्री सेल्सियस, तो अमेरिकी शहर सालेम में पारा पहुंचा 47 डिग्री के पार।